हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सीरीज हिंदी में। ये सीरीज वैसे तो आप सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट आपका हर जगह काम आता है, लेकिन ये सीरीज स्पेशली थोड़ी सिविल इंजीनियर्स के लिए होगी, लेकिन इस ट्यूटोरियल सीरीज से कोई भी देख सकता है, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सीख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैं ऑन कर लेता हूँ। मैं विंडो की प्रेस करके टाइप करता हूँ प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे आ गया प्रोजेक्ट और मैंने क्लिक करके स्टार्ट कर लिया इसको। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और मैं राइट क्लिक करके स्क्रीन पे आप जब न्यू में जाएंगे तो यहां से भी आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को ऑन कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ठीक है, या तो आप विंडोज में सर्च कर लीजिए या आप राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे न्यू में जाके ये ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट होता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो आपका एक किसी भी प्रोजेक्ट का हो, किस कैसा भी प्रोजेक्ट हो, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, उसमें जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी ये हेल्प करता है, उसके लिए उसका टूल है। तो उसकी वो हेल्प करता है डेवलप करने में प्लान, ठीक है, और जो रिसोर्सेज हैं वो टास्क को असाइन करने में मदद करता है, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पर कितना कंप्लीट हो चुका है ट्रैक करने में काम आता है, और हमारा बजट को मैनेज करने में काम आता है, और वर्कलोड एनालाइज करने में काम आता है। तो ये सारे काम इसमें आते हैं, बहुत फास्ट और बहुत इजीली कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी। तो जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट दो जगह से हम इसको ऑन कर सकते हैं, तो विंडोज में से एक राइट क्लिक करके न्यू में से, ठीक है। तो जैसे ये विंडो खुल जाती है इसमें एक एक चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में आपके एक है ओपन प्रोजेक्ट, ओपन अदर प्रोजेक्ट। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि ओपन करना है कहाँ से, यानी कि पहले से कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है हमारा सेव है फाइल, उसको ओपन करना है। तो ये उस पर क्लिक करते आ गया रिसेंट प्रोजेक्ट, यानी कि रिसेंट जो काम किया है आपने, प्रोजेक्ट किए हैं उनमें से कोई सिलेक्ट करना है, या जो ऑनलाइन आपका वन ड्राइव पर पड़ा हुआ है वहां से लेना है, या आपके कंप्यूटर में है या कहीं और है, ठीक है। तो आप कहां से वो प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं, तो बैक जाते हैं। तो समझ गए, कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करना होता है यहां से कर सकते हैं। उसके बाद जरा राइट में कॉर्नर पे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ये है हेल्प के लिए आपकी, ये मिनिमाइज के लिए, मैक्सिमाइज के लिए प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। उसके बाद एक और चीज है ये साइन इन टू गेट मोस्ट आउट ऑफ ऑफिस। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट का अगर आपके पास अकाउंट है, जीमेल है, तो आप उससे साइन इन कर सकते हैं। उससे फायदा क्या होता है, अगर उससे साइन इन करने के बाद अगर आप काम करते हैं और तो आप कहीं भी किसी भी पीसी में साइन इन करके अपने उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, और बाय चांस आपका लैपटॉप खराब हो जाए, फाइल क्रैश हो जाए, कुछ हो जाए, तो साइन इन किया हुआ है तो वो रिकवर हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक अकाउंट बना लें माइक्रोसॉफ्ट का और यहाँ पे साइन इन कर लें, ठीक है। तो ये साइन इन के लिए इसलिए होता है। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर दिया हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं बड़े बड़े, ये क्या है, टेम्पलेट है। तो पहले टेम्पलेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, ब्लैंक प्रोजेक्ट। ब्लैंक प्रोजेक्ट यानी कि बिल्कुल नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो आप, तो बिल्कुल नया एक ब्लैंक पेज आएगा। अब उसमें आपको एंट्रीज करनी होगी, डाटा फिल करना होगा, सेट करना होगा, यानी कि एक न्यू प्रोजेक्ट डिफाइन करना होगा, ठीक है। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, देखिए न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का मतलब है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ओपन करने के लिए पूछेगा कोई दूसरा प्रोजेक्ट। जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, उसमें आपने कुछ सेटिंग की है, मान ली उसमें करेंसी आपने यूएसए डॉलर रखा है, उसमें आपने कोई कैलेंडर डिफाइन किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट को ओपन नहीं करेगा, उसकी जो सेटिंग है उनको इंपोर्ट कर लेगा एक न्यू प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर आता है न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। क्या होता है कि हम जो हमारे जो टास्क हैं उनकी जो लिस्ट है या कुछ अदर डाटा हम एक्सेल में सेव कर रखा है, हम चाहते हैं एमएस प्रोजेक्ट में आ जाए तो वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये शेयर पॉइंट है, कहीं से आपको कोई डाटा शेयर करना है
तो उसके लिए। उसके बाद आता है वेलकम प्रोजेक्ट। वेलकम प्रोजेक्ट में यानी जो फर्स्ट टाइम आप MSP ऑन कर रहा है, तो इस पर क्लिक करके वो थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत इजी वे में माइक्रोसॉफ्ट ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है कि कौन क्या क्या टूल क्या क्या कैसे काम करते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो टेम्पलेट हैं, ये पहले से बनी हुई टेम्पलेट हैं, जैसे कि देखिए लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, अगले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्रिएट बजट, ये पहले से टेम्पलेट है, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर ही डेवलप प्लान है आपका, प्रोजेक्ट है, तो इसे ऑन कर सकते हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है। और ये जो बार है यहाँ पे सर्च करने का, जैसे मैं सर्च करता हूँ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मैंने सर्च किया तो यहाँ पे सर्च कर रहा है कंस्ट्रक्शन के आपके कोई प्रोजेक्ट टेम्पलेट पहले से पड़े हुए हैं। तो देखिए पड़ा हुआ है कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन, रेजिडुअल कंस्ट्रक्शन, तो एक बार रेजिडुअल कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है वहां, ठीक है ऐसे। और अगर हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं तो इस टेम्पलेट जैसा ही ये खुल जाएगा, कुछ एंट्री कुछ डाटा से पहले से होगा क्योंकि ये टेम्पलेट लिया है हमने, तो जो कंस्ट्रक्शन के लिए सही होता है, तो हम हमारी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं विंडो को। देखिए जो सबसे ऊपर आपके ये जो है टैब्स हैं, ठीक है, ये क्विक एसेस पॉइंट्स हैं, ये आपका व्यू पॉइंट है, क्या आप देख रहे हैं, ये ग्रुप्स हैं आपके, ये ग्रुप्स हैं शेड्यूल, क्लिपबोर्ड, टास्क, इंसर्ट, और ये टैब जैसे टास्क का आपका टैब है यहाँ पे, तो टास्क से रिलेटेड सारे ग्रुप्स हैं। ये एक फॉन्ट ग्रुप है, शेड्यूल ग्रुप है, टास्क ग्रुप, इंसर्ट, प्रॉपर्टी ग्रुप। रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए रिसोर्स में भी कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं, व्यू ग्रुप, असाइनमेंट ग्रुप, इंसर्ट, प्रॉपर्टी। तो इस तरह से जिस जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे उस उसके ग्रुप्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है आपका ये वर्किंग विंडो है, ये आपका कैलेंडर है, टाइमलाइन, यहाँ पे आपके जो व्यू है, आप किस तरह की व्यू देखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट को, गैंट चार्ट देखना चाहते हैं, नेटवर्क डायग्राम देखना चाहते हैं, तो जिस तरह का भी आप डायग्राम देखना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम टास्क इनपुट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी वर्किंग विंडो है। और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट का है टास्क आइकन्स, यहाँ से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये है आपका MS प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर फाइल में जाते हैं आप तो ये आ जाते हैं ऑप्शन, इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन, जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन। ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये क्या है प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन, में क्या डालना होता है, इनपुट क्या करना होता है। तो इंफॉर्मेशन के लिए यहां जाना होता है न्यू, आप न्यू ब्लैंक टेम्पलेट ले रहे हो या कोई और अदर टेम्पलेट ले रहे हो, ओपन, कोई प्रोजेक्ट आप ओपन करना चाहते हो, मैंने बता चुका था कहाँ कहाँ सेव है, ओपन कर सकते हो। सेव करना है आपका प्रोजेक्ट, कहाँ सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है आपका प्रोजेक्ट की फाइल को, प्रिंट आउट लेना है उसका, या आपको अपने प्रोजेक्ट को शेयर करना है। प्रिंट पे क्लिक करते ही जो प्रिंट व्यू होता है वो यहाँ पे आ जाता है, तो थोड़ा सा स्लो हुआ, देखो प्रिंट व्यू आ चुका है यहाँ पे, 26 पेजेस का है और प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट है और ये पेज के आपके सेटिंग है, ठीक है। शेयर, आपको कहीं आपको अभी प्रोजेक्ट शेयर करना है, एक्सपोर्ट करना है कहीं पे, प्रोजेक्ट क्लोज करना है, अकाउंट जो आपने साइन इन किया है उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, साइन इन कर लोगे आप यहाँ पे। ऑप्शंस, ये ऑप्शंस हैं, जनरल सेटिंग है आपकी, करेंसी, कैलेंडर, ये सब सिलेक्ट करना होता है, इनकी डिटेल में हम जाएंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, अभी केवल MS प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है। तो दोबारा हम फाइल में जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके हो सकती है, क्लोज से आपका हुआ, आपका ये क्लोज हो जाएगा और फिर सेव और नो से नोट सेव के लिए पूछेगा, तो इसे नो कर देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट जो हमने रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का ऑन किया था वो क्लोज हो चुका है। अब दोबारा हम, या देखिए बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे हैं पहले से,
और अगर आप सीखना चाहते हो, जैसे कि आप मान लीजिए सिविल इंजीनियर हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाला टेम्पलेट है इनको ओपन कीजिए, इनको देखिए कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या क्या सेटिंग हो रही है, तो बहुत सीखने में हेल्प मिलेगी। या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर प्लान है, किसी और तरह का आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई बजट प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन मार्केट रिसर्च शेड्यूल, तो आप उस तरह का ही आप ले सकते हैं आपके टेम्पलेट। हम देखिए कुछ कीवर्ड्स भी डिफाइन किए हुए हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए आपको, उस तरह के कीवर्ड्स भी। जैसे मैं थीम्स पे क्लिक करता हूँ तो टेम्पलेट आएंगे अलग अलग थीम्स के। अभी ये सर्च नहीं करना है क्योंकि इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट सर्च करता है, होम पे क्लिक करते हैं तो उस तरह के आपके ये कीवर्ड्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट से एक एक चीज को समझेंगे कैसे होता है। आज केवल इंट्रोडक्शन था, तो प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।